वर्ष की उम्र पूरी होने तक वो कफ के प्रभाव में होता है। मतलब सीधा सा ये है कि बच्चों को बचपन में सबसे ज्यादा कफ के ही रोग होते हैं, सबसे बार बार सर्दी होगी, बार बार खांसी होगी, बार बार जुकाम होगा, बार बार गला दुखेगा, टॉन्सिलाइटिस होगा, कान में दर्द होगा, ये सब होगा। तो सबसे ज्यादा बचपन जो होता है कफ के प्रभाव में। फिर 14 वर्ष की उम्र से शुरू करके लगभग 60 वर्ष की उम्र तक, आज के जमाने में ये 60 वर्ष कम हो गया, 40 तक ही हो गया, पुराने जमाने में ये 60 तक होता था। 14 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक जो व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष, वो पित्त के प्रभाव में होता है। माने 14 साल से लेके 40 साल तक जितने भी रोग होंगे 99% वो पित्त के। ये 40 साल मैंने किया, आयुर्वेद तो 60 साल की बात करता है, ये 40 साल मैंने इसलिए किया है कि मेरे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जो बात के हैं 40वीं उम्र से। 40 की उम्र में ही उनको घुटने के दर्द, कमर के दर्द, कंधे के दर्द सब शुरू। मॉडर्न एज है, आधुनिक जमाना है, इसलिए इसमें बात सबसे बिगड़ा हुआ है। तो 40 की उम्र से हम शुरू करें और जीवन के आखिरी दिन तक सबसे ज्यादा बात का असर होगा। माने 40 के बाद के जो रोग शुरू होंगे आपके जीवन में, उम्र के आखिरी दिन तक तो आपको सबसे ज्यादा, तो बात के रोग होंगे 40+, पित्त के होंगे 14+, 14+, और कफ के होंगे 1+ या 0+, जो भी। इतनी मोटी बात के बाद अब हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय के सूत्र पर। यह भूमिका मुझे बनाना इसलिए जरूरी था कि मोटी जानकारी हमें रहे। अष्टांग हृदय में भागवत जी कहते हैं कि जिंदगी भर बात पित्त कफ को संतुलित रखना ही सबसे बड़ी कला है और कौशल है। सारी जिंदगी आपको एक ही काम करना है प्रयास पूर्वक कि हमारा वात, हमारा पित्त, हमारा कफ हमेशा सुरक्षित रहे, नियमित रहे, संतुलित रहे। जितना चाहिए उतना वात रहे, जितना चाहिए उतना पित्त रहे, जितना चाहिए उतना कफ। तो जितना चाहिए उतना वात पित्त कफ हमारा रहे, तो इसके लिए क्या करना है, वो 7000 सूत्र है। उसमें से पहला सूत्र बहुत छोटा सा सूत्र है, आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये सूत्र का मतलब क्या है और इसका असर कितना है। बात पित्त कफ को जीवन भर संतुलित रखना है तो उसका पहला सूत्र है, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। पहला सूत्र है, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। इतना सही सूत्र है, कभी भी जीवन में खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। लिख लिया आपने, चलिए अब इसको समझते हैं। क्या कहा ये भागवत जी ने, खाने के बाद पानी नहीं पीना, तुरंत पानी नहीं पीना। अब आप इसको उल्टा करके देखिए कि हम तो रोज यही करते हैं। मैंने 100 में से 99 लोगों को देखा है कि वो पानी लिए बिना खाना नहीं खाते, पानी पहले होता है खाना बाद में होता है। बहुत सारे लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते, 2-4 रोटी के टुकड़े खाए फिर पानी पीते, खाए फिर। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था में भागवत जी बिल्कुल ऐसी बात कह रहे हैं कि पानी ही नहीं पीना खाने के तुरंत बाद। कारण क्या है, बात क्या है, क्यों नहीं पीना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम पानी क्यों ना पिए खाने के बाद, क्या कारण है? बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर का पूरा केंद्र है हमारा पेट। ये पूरा शरीर चलता है पेट की ताकत से, और पेट चलता है भोजन की ताकत से। जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारे पेट की ताकत है। हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, हमने रोटी खाई, हमने अचार खाया, दही खाया, लस्सी पिया, कुछ भी, दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये पेट को ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे के लिए ट्रांसफर करता है। आप कुछ भी खाते हैं, सब कुछ पेट आपके लिए ऊर्जा का आधार बनता है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय। कभी आप एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का कोई कैलेंडर आजकल आते हैं शरीर विज्ञान के,
जिसमें शरीर के एक एक अंग को दिखाया जाता है। एक कैलेंडर खरीद लीजिए 10-15 रुपए का आएगा, घर में टांग कर रखिए। उस कैलेंडर में आपको बताया जाएगा आपका पेट में जो नाभि स्थान है उसके बिल्कुल लेफ्ट में एक स्थान है, उसको आमाशय कहते हैं। आमाशय, उसी स्थान का एक दूसरा नाम है जठर, और उसी को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। आमाशय, जठर, एपिगैस्ट्रियम, ये एक ही स्थान के तीन नाम, एक अंग्रेजी में है, एक संस्कृत में है, एक हिंदी में। पंजाबी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम तो हमारे क्या कहते हैं पित्त पंजाबी में, मैदा कहते हैं। जो भी आप कहते हैं, ये स्थान हमारे शरीर का सबसे महत्व का स्थान है, एपिगैस्ट्रियम या आमाशय या जठर, क्योंकि सारा खाना इसी में आता है। ये एक थैली की तरह से होता है, बहुत छोटा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता बड़े व्यक्ति। तो हम कुछ भी खाते हैं सब कुछ ये आमाशय में आ जाता है। अब आमाशय में क्या होता है, खाना जैसे ही पहुंचता है, ये भगवान की व्यवस्था है जो शरीर में है, तुरंत इसमें आग जल जाती है, अग्नि। आमाशय में अग्नि होती है, उसी को कहते हैं जठर अग्नि, मिला के बोलते हैं जठराग्नि। ये जो जठराग्नि है ये आमाशय स्थान में प्रदीप्त होने वाली अग्नि है, आग है। ये आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग, आपकी रसोई गैस है ना एलपीजी सिलेंडर से जो कनेक्टेड है इसको, आपने स्विच ऑन किया आग जल गई, ऐसे ही पेट में जैसे ही आपने खाना खाया तुरंत आग जल गई, ये ऑटोमेटिक है। रोटी का पहला टुकड़ा आपने मुंह में डाला इधर आग जल गई, जठर अग्नि। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है, डाइजेस्ट। आप खाना खा रहे हैं अग्नि जल गई, अब अग्नि खाने को पचाती है, डाइजेस्ट कराती है। वो ऐसे ही कराती है जैसे रसोई गैस, आपने रसोई गैस में जो स्टोव है उसका स्विच ऑन कर दिया, आग जल गई, अब इस पर आपने दूध रख दिया, थोड़ा चावल डाल दिया, तो जब तक अग्नि जलेगी तब तक खीर बने। इसी तरह से आपने पानी रख दिया, चावल डाल दिए, अब जब तक अग्नि जलेगी चावल पकेगा। आपने पानी रख दिया, दाल घटाकर पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल उतार दिया। अब होने वाला एक ही काम है, जो आग जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने के पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। अब हमारे पेट में दो ही क्रियाएं होती है खाने के पचने में, एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, दूसरी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना और डाइजेशन का माने है पचना। अगर आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसका रस बनेगा, आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहा हूं। आपकी आग जलेगी खाना पचेगा, खाना पचेगा तो रस बनेगा, जो रस बनेगा तो उसी रस में से मांस बनेगा, मांस जिसको आप फ्लैश कहते हैं, उसी रस में से मज्जा बनेगी, फिर उसी रस में से रक्त बनेगा ब्लड, फिर उसी में से वीर्य बनेगा, फिर उसी में से हड्डियां बनेगी बोन्स, फिर उसी में से मल बनेगा एक्सक्रीटा स्टूल, फिर उसी में से मूत्र भी बनेगा। तो मांस मज्जा रक्त वीर्य मल मूत्र अस्थि और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये कब होगा, जब खाना पचेगा तब। और आप जरा ध्यान से सुने इन शब्दों को, मांस की जरूरत है हमको, मज्जा की भी जरूरत है, रक्त की भी जरूरत है, वीर की भी जरूरत है, अस्थि भी चाहिए, मेद भी चाहिए, ये सब हमें चाहिए। क्या नहीं चाहिए, मल नहीं चाहिए और मूत्र नहीं चाहिए। तो मल और मूत्र तो बनेगा जरूर, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं, शरीर को चाहिए नहीं, तो शरीर हर दिन उसको छोड़ देगा, मल को भी छोड़ेगा मूत्र को भी छोड़ेगा, बाकी जो चाहिए शरीर उसको धारण करेगा। खाना जब हजम होगा पचेगा तो रस बनेगा, रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र अस्थि मेद बनेगा, मल मूत्र की जरूरत नहीं है, शरीर उसको छोड़ देगा, बाकी सब चीजों की जरूरत है, शरीर उसको धारण कर लेगा।
ये एक है। दूसरी तरफ क्या होगा, आग नहीं जलेगी, आपने घटाघट पानी पी लिया तो वही खाना सड़ेगा और सड़ने के बाद उसमें से जहर बनेंगे। तो सबसे पहला जहर जो बनता है खाना सड़ने के बाद उसका नाम है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं मुझे ये तकलीफ मुझे वो तकलीफ, तो डॉक्टर तुरंत डायग्नोसिस करके कहता आपको यूरिक एसिड बन रहा है, तो वो आपको कहता ये दवा खाओ ये दवा खाओ ये दवा खाओ ऐसे खाओ वैसे खाओ यूरिक एसिड कम करो। ये विष है यूरिक एसिड, और ये इतना खतरनाक विष है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया या बंद नहीं किया तो ये आपके शरीर को उस स्थिति में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी चल ना सके, टोटली बेड रिडन हो जाए, बिस्तर पे ही आपको पड़ा रहना पड़े, पेशाब भी बिस्तर पे निकले और आपको संडास भी बिस्तर पे ही करनी पड़े। यूरिक एसिड इतना खतरनाक है, वहां तक लेके जाता है। तो इसलिए खराब विष है, अच्छा नहीं है, नहीं बनना चाहिए। और एक उदाहरण देता हूं, जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही और एक विष बनता है शरीर में, उसी को कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, माने खराब कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर अक्सर आपको कहता आप जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक कराने, डॉक्टर कहता हाई बीपी है, फिर आप पूछोगे कारण बताओ तो कहेगा आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत है। तो कोलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत है, आप और ज्यादा डीप पूछेंगे तो कहेगा LDL बहुत है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और इससे भी ज्यादा खराब और एक विष है, वो है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो भगवान भी नहीं बचा सकता, कितनी खराब स्थिति है शरीर। और एक उदाहरण देता, खाना जब सड़ता है पेट में तो इसी में से कुछ और भी जहर बनते हैं, उन जहर के कुछ नाम हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। डॉक्टर आपको डायग्नोस करके कहता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं, समझ लीजिए विष निर्माण हो रहा है शरीर में। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई LDL के नाम से, VLDL के नाम से कहे या ट्राइग्लिसराइड, समझ लीजिए ये सब विष हैं। और ऐसे विष 103 हैं, मैंने आपको 4-5 नाम लिए। ये सारे विष तब बनते हैं जब खाना नहीं पचता, खाना सड़ता है। मतलब समझ लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है मेरा ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बढ़े हुए हैं तो एक ही मिनट में डायग्नोस कर लीजिए आपके खाना पच नहीं रहा है। कोई कहता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो एक ही मिनट आपको लगना चाहिए ये समझने में खाना पच नहीं रहा, क्योंकि खाने के पचने पर इनमें से कुछ नहीं बनता। खाने के पचने पर बनता है मांस मज्जा रक्त वीर्य मल मूत्र अस्थि मेद, ये सब पचने पर बनता है। नहीं पचने पर क्या बनता है, यूरिक एसिड ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल LDL VLDL ये सब बनते हैं और यही आपको रोगों का कारण बना देते हैं, माने आपके शरीर को रोगों का घर बना देते हैं। तो हमें ध्यान किस बात पर देना है, जिंदगी में सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि जो हम खा रहे हैं वो पूरा ठीक से पचना चाहिए, और खाना ठीक से पचना चाहिए इसके लिए पेट में आग जलनी ही चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना पकता नहीं है और पचता भी नहीं। रसोई में आग नहीं है आप कुछ नहीं बना सकते, पेट में आग नहीं है कुछ नहीं पचा सकते। तो महत्व की बात है खाना खाना नहीं, महत्व की बात है खाने को पचाना। आपने क्या खाया कितना खाया ये इमेटीरियल है। कोई कहता है मैंने 100 ग्राम खाया, कोई 200 ग्राम, कोई 500 ग्राम, ये इमेटीरियल है। पचाया कितना उसमें से वो मटीरियल है, वो महत्व का है। आपने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया बहुत अच्छा है, और 200 ग्राम खाया और सिर्फ 100 ग्राम पचाया बहुत बेकार है, आपका रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। 500 ग्राम खाया और उसमें से 200 ग्राम भी पचा नहीं सके तो बहुत खराब है। अगर 100 ग्राम खाके 200 ग्राम खाके पूरा पचा लिया तो बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट कार्ड है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि खाना खाना महत्व का नहीं, खाने को पचाना, और खाने को पचाने के लिए महत्व की चीज है अग्नि। तो अग्नि जलेगी तो खाना पचेगा, इसका मतलब खाना खाते ही पानी नहीं पिएंगे तभी अग्नि जलेगी, तभी खाना पचेगा, तभी उसमें से मांस मज्जा रक्त वीर्य मलमूत्र बनेगा। तो ये सूत्र दिया गया, खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना।
कितनी देर तक? हाँ बहुत अच्छा सवाल, यही सवाल आना ही चाहिए आपके मन में कि ठीक है बात तो अभी समझ में आ गई कि खाने के तुरंत बाद तो पानी नहीं पीना, लेकिन कितनी देर तक? अब ये जो देर वाला किस्सा है इसको समझ लें, हम जब खाना खाते हैं उसके पचने की तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था ये है कि जो कुछ आपने ठोस खाया और द्रव खाया ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है, सॉलिड और लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होता है तो खिचड़ी बनता है, उसको पेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहें तो खिचड़ी। तो आपके शरीर में खाया हुआ सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे में मिक्स होता है, पेस्ट बनता है। ये पेस्ट बनने की अवस्था 1 घंटे 30 मिनट तक रहती है शरीर में, और 1 घंटे 30 मिनट तक ही अग्नि भी जलती है पेट में। अग्नि का सबसे बड़ा काम है खिचड़ी बनाना, सॉलिड और लिक्विड को मिला के उसको पेस्ट में बदल देना, यह अग्नि का मुख्य काम है। 1 घंटे 30 मिनट के बाद अग्नि अपने आप कम हो जाती है, बुझ तो नहीं जाती है लेकिन कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके खाने का रस बनना शुरू होता है। अब आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज का रस बनेगा तभी उसमें पानी की जरूरत आएगी। आपको अगर मैं ये कहूं कि आम का रस बनाइए तो आम का छिलका उतारेंगे, फिर उसका पल निकालेंगे, चूजा निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे तभी रस तैयार होगा। वो पानी चाहे दूध के रूप में मिलाए या सीधे पानी मिलाए। चीकू का मैं कहूंगा आपको रस निकालिए तो आप वही करेंगे, पल्प निकालेंगे फिर पानी मिलाएंगे। जब भी रस निर्माण होता है बिना पानी के नहीं होता, तो पेट में भी रस का निर्माण बिना पानी के नहीं होने वाला। तो जब 1.5 घंटे के बाद ही रस बनना है तो आप खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही रस बनने लगता है, कुछ ही लोग हैं, बाकी सबको नहीं बनता। जो लोगों को 1 घंटे में बनने लगता है वो लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, खेत में हल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, सड़क पर रिक्शा खींच के ले जाते हैं, हाथ गाड़ी लेके जाते हैं, जो बहुत मेहनती लोग हैं उनको पेट में खाना खाने के 1 घंटे में ही रस बनने लगता है। तो वो लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पी सकते हैं, लेकिन जो आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं कम मेहनती हैं, हमको 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना अच्छा है। तो क्लियर हो गया, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। और 1.5 घंटे के बाद कितना पानी पीना है? जितनी इच्छा करे उतना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास, आपकी जितनी कैपेसिटी है पीने की, जितनी प्यास लगी है उतना आप पी सकते हैं। खाने से पहले कितनी देर? बहुत अच्छा। अब ये तीसरा सवाल आ गया, तीसरा सवाल ये आ गया कि खाने के पहले पी सकते हैं क्या? खाने के बाद का तो समझ में आ गया 1.5 घंटे में, खाने के पहले वाली बात समझनी है। खाने के पहले हम पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, लेकिन समय का उसमें ध्यान रखना है। खाना खाने से 48 मिनट पहले, 48 मिनट पहले। आप बोलेंगे ये 48 मिनट का क्या कैलकुलेशन है, 1 घंटा क्यों नहीं कहा मैंने, 48 मिनट क्यों कहा, 50 मिनट भी कह सकता था। बात ऐसी है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी मुंह में जाता है और बाद में सभी अंगों में जाता है, मांस में भी जाता है, मज्जा में भी, सब जगह जाता है, रक्त में भी जाता है, और अंत में पानी जो सरप्लस होता है माने जरूरत से ज्यादा होता है शरीर को, वो मूत्र पिंड में आके इकट्ठा हो जाता है। बाद में आप यूं मूत्र के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मुंह में पानी शुरू किया, मूत्र पिंड तक आने में उसको 48 मिनट ही लगता है। तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि जब ये 48 मिनट पूरा हो जाए और वो मूत्र पिंड में स्थिर हो जाए तो पेट तो खाली हो गया ना, तभी खाना खाना। माना खाने के पहले 48 मिनट में आप पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो खाने के पहले पानी पीना है तो 48 मिनट में, खाने के बाद पीना है तो 1.5 घंटे में। अब आखिरी प्रश्न आएगा खाने के बीच में। बीच में पीने के लिए कहा गया है कि कोई मजबूरी है, कोई इमरजेंसी है तो पी सकते हैं 1 या 2 घूंट। वो इमरजेंसी मजबूरी क्या हो सकती है? मान लो खाना खाते खाते गले में फंस गया, अब मजबूरी आ गई, तो आप पानी पी सकते हैं 1 सिप या 2 सिप, ठीक है। और एक मजबूरी आ सकती है, खाना खाते खाते खांसी आ गई तो फिर समस्या आ गई, तो भी आप 1-2 सिप पी सकते हैं।
और एक तीसरी ऐसी ही एक मजबूरी है, वो मजबूरी आयुर्वेद में ये कही गई है कि जब आप दो अन्न का खाना खाएं तो बीच में जरूर पानी पीना है। दो अन्न का खाना मतलब रोटी खा रहे हैं गेहूं की, और चावल भी खाना है आपको, चावल एक अन्न है, गेहूं दूसरा अन्न है। मक्के की रोटी खा रहे हैं और उसके साथ चावल खा रहे हैं, मक्की एक अन्न है, चावल दूसरा अन्न। बाजरे की रोटी खा रहे हैं और चावल खा रहे हैं, बाजरी एक अन्न है, चावल दूसरा अन्न। ज्वार की रोटी खा रहे हैं तो ज्वार एक अन्न है, चावल दूसरा है। तो जब भी दो अन्न का खाना आप खाते हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने से पहले थोड़ा पानी जरूर पीना, अनिवार्य। हाँ, अनिवार्य है। नहीं पिए तो नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन पिएंगे तो फायदा बहुत होगा। खाने के बाद पानी कैसे पीना, घटाघट पीना जाए? मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। हम जब पानी पिएंगे तो दो अन्न का खाना जब हम खा रहे हैं, गेहूं खा लिया, रोटी, अब हमको चावल शुरू करना है, तो रोटी खाने के बाद चावल शुरू करने से पहले एक दो सिप पानी पी लीजिए। क्यों पी लें? आपके पेट में एंजाइम्स जो है ना पचाने के लिए, वो अलग अलग है। गेहूं को पचाने के लिए अलग एंजाइम्स हैं, चावल वाले अलग हैं, मक्की के अलग हैं, बाजरी के अलग हैं, ज्वार के अलग हैं, सभी अन्न को पचाने के लिए एंजाइम्स अलग हैं। तो जब आप रोटी खा रहे थे गेहूं की, तो रोटी वाले एंजाइम सक्रिय हैं, वो एक्टिव हैं, रोटी को पचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब अचानक से चावल खाना शुरू किया तो चावल वाले एंजाइम्स को सक्रिय करना पड़ेगा और रोटी वाले को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, तो वो पानी से ही होता है। इसलिए एक दो घूंट पानी पी लीजिए तो फिर चावल वाले एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे चावल खाने के समय। ऐसे ही चावल के बाद और कोई तीसरा अन्न खा रहे हैं तो फिर बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये पानी बीच में जो पीना है वो एक दो सिप से ज्यादा नहीं है। इस पर मैं उत्तर दूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी हम जो बात कर रहे हैं वहां तक सीमित है कि हमको बीच में पानी पीना है क्या। तो बीच में पानी पीने के लिए तीन कंडीशन मैंने बताई, या तो गले में खाना फंस गया तो मजबूरी है, या तो खांसी आ गई मजबूरी है। लेकिन पॉजिटिवली जो बिना मजबूरी का काम है वो ये कि एक अन्न खाने के बाद दूसरा शुरू होने से पहले दो तीन सिप पानी पी लीजिए, उसके बाद दूसरा अन्न शुरू करें। अब आखिरी बात जो इस एक नियम से जुड़ी हुई है वो ये कि ठीक है, हमको समझ में आ गया खाने के डेढ़ घंटे बाद पानी पिएंगे, लेकिन खाने के तुरंत बाद कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए आयुर्वेद में कहा गया कि आप खाने के तुरंत बाद अगर पीना चाहें तो जूस पी सकते हैं, फल का रस, कोई भी फल का रस पी सकते हैं। दूसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो लस्सी पी सकते हैं, और तीसरा कहा गया कि खाने के तुरंत बाद आप चाहें तो दूध पी सकते हैं। तुरंत, हाँ, उसका भी टाइम बताने जा रहा हूं। तुरंत खाने के बाद अगर पीना चाहते हैं तो एक तो जूस पी सकते हैं, दूसरी लस्सी पी सकते हैं, तीसरा दूध पी सकते हैं। अब बहुत अच्छा सवाल पीछे से आ गया, इसका भी कोई टाइम है? हाँ है, आयुर्वेद में बिना टाइम के कुछ नहीं, हर चीज के खाने का टाइम। मूंगफली का दाना कब खाना चाहिए, चना कब खाना चाहिए, गुड़ कब खाना, इसके भी टाइम फिक्स है। मूंग की दाल किन दिनों में खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, उसके भी टाइम फिक्स है। अरहर की दाल, तुअर की दाल कब खानी चाहिए, माँ की दाल, हर एक चीज का टाइम फिक्स है। इसी के साथ हजार सूत्र है, लेकिन आप घबराइए मत, इतने ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको सीधे सीधे कुछ 20-25 या 50 सूत्र ही बताने वाला हूँ जी। पानी कैसे पीना, हल्का? मैं बता रहा हूँ, सेकंड सूत्र उसी पे है, एक सूत्र पूरा हुआ है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए इसलिए कि खाने के तुरंत बाद पानी पीना नहीं है, डेढ़ घंटे बाद पीना है। खाने के पहले पीना है तो 48 मिनट में पीना, खाने के बीच में पीना है तो तब पीना है जब दो अन्न का खाना खाए या कोई मजबूरी आ जाए, खांसी आ गया या गले में खाना फंस गया। और खाने के तुरंत बाद दूसरी कोई चीज पीनी है पानी को छोड़कर, तो लस्सी पीनी है, दूध पीना है और जूस पीना है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये कि जब भी जूस पीना है खाने के तुरंत बाद वो सवेरे ही पी सकते हैं, नाश्ते के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद जब भी जूस पीना हो तो सवेरे ही पी सकते हैं। आप पूछेंगे क्यों, बात सीधी सी ये है कि फल को या जूस को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं हमारे पेट में वो सवेरे ही सबसे ज्यादा होते हैं।
तो सुबह के समय अगर आप जूस पी रहे हैं या फल खा रहे हैं तो जूस का एक एक बूंद आपके शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा, और वही जूस रात को पिएंगे तो वो सब फ्लश आउट होगा यूरिन के साथ, उसका कुछ भी उपयोग नहीं आएगा। तो सुबह सुबह जूस पीना सबसे अच्छा, हर एक बूंद उसकी पचे हमारे शरीर को। दोपहर के समय लस्सी पीना ही सबसे अच्छा, क्योंकि दोपहर के समय हमारे में जो एंजाइम्स होते हैं वो दही को और लस्सी को डाइजेस्ट कराने वाले हैं दोपहर को। तो दही या दही की कोई भी चीज खाना दोपहर को ही सबसे अच्छा। सर सुबह खाए तो नुकसान तो नहीं? नुकसान थोड़ा हो सकता है। कब होगा? जब आपकी उम्र 40-45 क्रॉस कर जाएगी। 40-45 तक तो क्या मैंने बताया, पित्त का प्रभाव है। पित्त का प्रभाव ऐसा प्रभाव होता है जो दूसरे सबको कंट्रोल कर लेता है। सर ऐसे सुबह यहाँ गांव में तो दो दो गिलास लस्सी पीते हैं। तो उस पर भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। जो दो दो गिलास लस्सी पीते हैं ना वो काम भी बहुत करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, मुझसे ज्यादा करते हैं। उनको अभी बोलो कि 5 एकड़ का खेत जोतना है तो वो चले जाएंगे, मेरी तो हिम्मत नहीं, आधे एकड़ में ही बैठ जाऊंगा। तो जो गांव में अभी मेहनत कर लेते हैं, हिम्मत उनमें है, उनके लिए तो कुछ चीजें एक्सेप्शन में आ जाती है। मैं बात कर रहा हूं आपकी, आपसे मतलब जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं आयुर्वेद के नियम की बात कर रहा हूं। जो बहुत श्रम करते हैं उनके लिए नियम बिल्कुल अलग है। तो अभी हम इतनी इसी बात पे अपने को केंद्रित करें। दूध पिएंगे रात को, लस्सी पिएंगे दोपहर को, जूस पिएंगे सवेरे। दूध का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बाद। जब तक सूरज रहता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में नहीं आते। जैसे ही सूरज डूब जाता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स पेट में जबरदस्त होते हैं। सर सभी मदर्स ना सवेरे देती हैं अपने बच्चों को सूरज जाते हुए। हाँ, तो अब माताओं को ये परिवर्तन लाना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों को सवेरे जूस पिला के स्कूल भेजना पड़ेगा। हाँ एक मिनट अशोक भाई का सवाल है, मैं एक मिनट आप, आपका सवाल है बहुत जेन्युइन है। हम जिस पटियाला में हूँ या जलंधर में, लुधियाना में हूँ या दिल्ली में, ज्यादातर घरों में मैंने भी देखा है माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो दूध पिला के भेजती हैं। ये जितनी माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं दूध पिलाकर, इन सबसे मेरी प्रार्थना है कि उनको जूस पिलाकर भेजें। बच्चे ठीक ही कहते हैं तो नहीं पीना चाहते। इसलिए नहीं कि उनके शरीर में इच्छा नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स नहीं है, आप जबरदस्ती पिलाते हैं। सुबह के समय किसी भी बच्चे की दूध पीने की इच्छा नहीं होती, आप मार के पीट के जबरदस्ती अपना फोर्स दिखाकर उसको पिला देते हैं। इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि पेट में एंजाइम्स ही नहीं है उसको पचाने वाले, इसलिए इच्छा भी नहीं होती। तो वो सही है, इच्छा नहीं होती उसकी, तो आप उसकी इच्छा का सम्मान करिए। बस उसको सवेरे जूस पिलाना शुरू कर दीजिए, जूस नहीं पी सकता है तो फल खिलाना शुरू कर दीजिए। सवेरे का समय फल और जूस के लिए आप फिक्स कर दीजिए। दोपहर को जब वो स्कूल से लौटते हैं तो दही का समय फिक्स कर दीजिए, आप उनको दही खिलाइए, लस्सी खिलाइए, मट्ठा पिलाइए, जो पीना, और शाम का समय फिक्स कर दीजिए दूध का। अच्छा जी, जो नाश्ते में हम चाय कॉफी लेते हैं का एक मिनट उस पर मैं आ जाऊंगा, एक ही मिनट लगेगा। पहले एक नियम जो क्लियर हो जाए हम सबको बोलिए। छोटे बच्चे दूध मांगते हैं। देखिए मैं एक खुद ही करने जा रहा हूँ, आप एक मिनट के लिए बस शांत रहे, धैर्य रखें। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लें। ये जो नियम है जो मैंने बता दिया ये सामान्य लोगों के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मैंने आपसे कहा ना हर नियम में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। इसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर है लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र तक, कई बच्चे 3 साल की उम्र तक माँ के दूध पर निर्भर, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। बागवत जी ने आगे इसी नियम को एक्सप्लेन किया, वो कहते हैं कि जो पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर है उन बच्चों पर ये नियम लागू नहीं होता। माने उनको एक्सक्लूड करके आप बात करिए। माँ के दूध पर निर्भर बच्चों को तो जब भूख लगेगी उनको दूध पीना है, क्योंकि उनके शरीर में 3 साल तक तो दूध वाले ही एंजाइम्स हैं। दही वाले एंजाइम्स तो 3 साल के बाद बनना शुरू होते हैं उनके शरीर।
दाल सब्जी आदि आदि को पचाने वाले एंजाइम्स 1.5-2 साल के बाद ही बच्चों के शरीर में आना शुरू होते हैं। उसके पहले तो सिर्फ दूध और दूध और दूध के ही एंजाइम्स हैं उनको पचाने के लिए। तो जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं उनको छोड़कर सभी के ऊपर ये नियम लागू होगा। अब ये जो बेड बैठिंग है ये डिसीज है। बेड बैठिंग जो है रात को बिस्तर में पेशाब करना ये बीमारी है, इस बीमारी को ठीक करना ही पड़ेगा। दही जो है वो एसिडिक है, अम्लीय है, और दूध जो है वो क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो जो क्षारीय चीजें हैं इसको और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करें, जितनी क्षारीय चीजें हैं वो सब आप सूरज डूबने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत काम करती है, और जितनी अम्लीय चीजें हैं एसिडिक वो सब सूरज निकलने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत लाभ करती है। अम्लीय माने एसिडिक, थोड़ी खट्टी, दही थोड़ा खट्टा होता है ना, हल्का खट्टापन उसमें आता, कितना भी ताजा हो तो भी हल्का खट्टापन उसमें होता है। तो हल्की खट्टी, ज्यादा खट्टी, रस वाली, ये सब चीजें अम्लीय हैं। और जिनका स्वाद थोड़ा कसैला होता है या नॉर्मल होता है, जैसे पानी जैसे दूध, वो नॉर्मल स्वाद के हैं और बाकी सब कसैली चीजें हैं। तो ज्यादा कसैली चीजें सब क्षारीय हैं, एल्कलाइन है। तो क्षारीय चीजों को खाने के लिए आयुर्वेद कहता है रात का समय सबसे अच्छा सूरज डूबने के बाद, और अम्लीय चीजें खाने का सबसे अच्छा समय है सूरज उगने के बाद। तो दही का, फल का, सबका समय शुरू होता है सूरज उगने के बाद, दूध का शुरू समय शुरू होता है सूरज डूबने के बाद। मैं विदा लेना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने बड़े शांति से सुना। अगर ये ज्ञान आपके पास आएगा आप किसी और को देंगे, वो किसी और को देगा, धीरे धीरे संपूर्ण देश निरोगी और स्वस्थ।